तो यहाँ पे 25,000 के सेगमेंट में पहले से ही मार्केट में कुछ तगड़े फ़ोन्स अवेलेबल है। पोको X6 Pro ये 90 FPS के अराउंड BGMI के अंदर काफ़ी तगड़ी गेमिंग आपको करा के दे देता है। एंड नथिंग फोन 2 है, ये फ़ोन भी अपने आइकॉनिक ग्लिप लाइट इफेक्ट के साथ ये फ़ोन भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड इन दोनों फ़ोन्स को टक्कर देने के लिए जो कमी इन दोनों फ़ोन्स में मिलती है वो ऑलराउंडर बैलेंस्ड फ़ोन OnePlus की तरफ से फाइनल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये है OnePlus का Nord CE 4 5G वाया Amazon ये डिवाइस आपको मिल जाता है। मेरे पास इसका एक मार्बल कलर जो मिलता है वो यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी एक डार्क कलर, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर आप बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड 1500-2000 तक का कार डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाता है। ये फ़ोन 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है, प्लस 100W की चार्जिंग के साथ आता है, प्लस एक 120Hz की 1100 nits के पीक ब्राइटनेस के साथ एक बढ़िया AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। Snapdragon 7 Gen 3 का पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। Android के ऊपर 8.5 लाख के अप्रोक्स के बेंचमार्क स्कोर लेके आता है। मल्टीटास्क में भी 10 fingers का सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। प्लस यहाँ पे CPU थ्रोटल के अंदर भी 79% के आसपास का परफॉर्मेंस ग्राफ है, तो ऑलराउंडर पैकेज ये डिवाइस प्रोवाइड कर जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर BGMI में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी करेंगे 60 FPS कितने FPS ये स्टेबल आपको कॉन्स्टेंट निकाल के देता है गेमिंग के दौरान। एंड डिफरेंट मैप्स वगैरह हम ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ मिलता है। ये OnePlus Nord स्टाइल आइकॉनिक बॉक्स इसका मिल जाता है, ऊपर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। एंड यहाँ पे सिम टूल है, यहाँ पे OnePlus का रेड केबल वाला जो कार्ड है वो यहाँ पे होता है। डिवाइस है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये अपना डिवाइस है इस कलर के अंदर। एंड इसके अंदर बॉक्स में ही यहाँ पे एक कवर मिलता है, कवर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे एक 100W का सुपर हुक चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। एंड OnePlus की रेड केबल प्रोवाइड की गई है टाइप ए टू टाइप सी। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तो चलो फिर कर लेते हैं इसका गेमिंग टेस्ट। वीडियो को जस्ट आपने एंड तक देखना है। एंड वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। सो हे गाइस, वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट द गेमिंग टेस्ट ऑफ OnePlus Nord CE 4 5G। तो यहाँ पे अभी हम फ़ोन के अंदर गेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, बैटरी आप देख सकते हैं 38% की अप्रोक्स की बैटरी अभी फ़ोन के अंदर बची है। वैसे 6.7 इंचेस की 120Hz की एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। एंड जो रिफ्रेश रेट है वो हम हाई पे सेलेक्ट करेंगे, तो जितना भी नीड होगा उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। बाकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है 1100 निट्स के आसपास पीक ब्राइटनेस ये डिवाइस लेके आता है। आउटडोर विजिबिलिटी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं होगी। जो ब्राइटनेस है वो फुल पे सेट है। डिवाइस ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्टेड है। डिवाइस एंड जो गेम है दोनों ही लेटेस्ट अपडेटेड है। मैं यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ। इसके अंदर गेम्स नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, 3 डॉट पे टैप करो, मैनेज माई गेम पे आ जाओ। सबसे पहले इसके अंदर आपको BGMI जो भी गेम है वो आपको ऐड कर लेनी है। अभी 10 सेकंड पे मैं टैप कर देता हूँ, गेम को ओपन कर लेते हैं, देखते कितने सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पे गेम को ओपन करने में। एंड ऊपर कॉर्नर से स्लाइड करके इसका गेम मोड ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो लाइव FPS है वो ऊपर आपको शो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 सेकंड के आसपास यहाँ पे गेम ओपन हो चुका है, 10 सेकंड पे स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 24 सेकंड के आसपास का टाइम लगता है। तो WhatsApp वगैरह अभी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको एक टाइम पर दो एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करनी है तो ये भी ऑप्शन है, इस पर टैप करके यहाँ से आप इसको क्लोज़ वगैरह कर सकते हैं। और गाइस अभी यहाँ पे IPL का सीज़न चल रहा है, जल्दी T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी सारे लोग अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। मैं भी आपके लिए लेकर आया एक काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, थैंक्स 777, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर लॉबी, फेवरेट, इन हाउस स्पोर्ट्स, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जो भी गेम आपको पसंद है सिंपली टैप करके इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं उसको प्ले करके। स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जितने भी ग्लोबल लीग्स है सारी आपको शो कर देगा, तो कौन सी जीतेगी कौन सी हारेगी सिंपली आपको सिलेक्ट करना है एंड अर्निंग आप कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स, सॉकर, टेनिस, काफ़ी सारे ऑप्शन है। सिंपली इसमें आपको डिपॉजिट करना है जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, डिफरेंट UPI का ऑप्शन है। एंड फर्स्ट डिपॉजिट पे 10% बोनस मिलेगा, एंड किसी को भी इनवाइट करेंगे उसका भी 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, डिफरेंट प्रमोशंस वगैरह। तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेकआउट। इसके अंदर वॉइस चेंजर वगैरह काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। अभी के लिए जो टेम्परेचर फ़ोन का आप देख लो 30 के अराउंड टेम्परेचर है। ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में बात करें, इसके अंदर स्मूथ में एक्सट्रीम फ्रेम रेट की सेटिंग्स है, बैलेंस में भी सेम है, HD के अंदर भी सेम है, HDR का भी ऑप्शन है एंड अल्ट्रा HD की भी सेटिंग प्रोवाइड की गई है। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम में हम गेम प्ले करेंगे तो इसके अंदर वॉइस चेंजर का फीचर मिल जाता है। इसके अंदर आप देख लो डिफरेंट काफ़ी सारी वॉइस मिलती है, चाइल्ड, रोबोटिक, वुमेन, गर्ल, तो जो भी आप चाहते हैं सिंपली इस पर टैप करो। एंड माइक पर अगर आप टैप करेंगे सामने टीम मेम्बर्स को भी वही वॉइस सुनाई देगी। बाकी इसके अंदर डिफरेंट मोड है, तो प्रो गेमिंग मोड में हम गेम प्ले करेंगे, सारी हायर सेटिंग्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले TDM के अंदर एक गेम प्ले लगा लेते हैं एंड इसके अंदर देखते हैं कैसी क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो अभी गाइस यहाँ पे अपना गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले इसकी जायरो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जायरो की परफॉर्मेंस मुझे अभी के लिए काफ़ी सही लगी है। बाकी फ़ोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है एक बॉटम की तरफ एंड एक छोटा सा ये रेक्टेंगल शेप का होल अपर साइड भी मिल जाता है, तो स्पीकर क्वालिटी काफ़ी सही है।
तो अभी अपना TDM के अंदर पहला गेम प्ले कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले बैटरी परसेंटेज आप देख लो, 35% बैटरी बची है, लगभग 12 मिनट के आसपास टाइम कंप्लीट हो चुका है। 38 से हमने स्टार्ट किया था एंड पहला गेम प्ले हम जीत भी चुके हैं। टेम्परेचर देख लो 31 के अराउंड आ चुका है। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे एनेबल कर लेता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी एनेबल हो चुकी है। इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे कितनी बैटरी यहाँ पे ड्रॉप होगी एंड FPS के ऊपर आप नज़र रखना। अभी के लिए पहले मैच के अंदर जो हमने गेम प्ले किया परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, जो FPS है वो भी 58-60 के अराउंड ही स्टेबल FPS निकाल के दे रहा था। बाकी इसके अंदर देखते हैं कैसी क्या उस परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। तो अभी अपना गन गेम के अंदर जो गेम प्ले है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 8.5 मिनट के आसपास की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड जो प्रॉपर मुझे क्या फील हुआ यहाँ पे गेम प्ले के टाइम वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली TDM में विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने किया था तो 56 से 60 के बीच में ही FPS वगैरह था, तो लगभग 60 FPS निकाल के दे रहा था। बट यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जो बैटरी है वो भी आप देख लो 3% के आसपास ड्रॉप हो चुकी है 35 से 32 8 मिनट के आसपास में, जबकि 12 मिनट में पहले 3% ड्रॉप हुई थी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में FPS भी ड्रॉप हुए थे 45 पे मिनिमम हमने नोटिस किया था। 10 से 15 FPS का ड्रॉप आता है जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गेम प्ले करेंगे एंड गेम कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे लैगिंग लग रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा माइनर लैग फील हो रहा था। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली थोड़े से इशू यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको यहाँ पे OnePlus को थोड़ा सा फिक्स करने की नीड है। एंड अभी कल ही इसके अंदर एक अपडेट आया था, वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। बाकी टेम्परेचर देख लेते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। पहले कम था 32 के अराउंड, अभी 36 के अराउंड आ चुका है। एंड रूम का टेम्परेचर आप ध्यान दे सकते हैं 27 के अराउंड है। अभी क्या करते हैं इरेंगल के अंदर गेम प्ले लगा लेते हैं, बड़ा मैच लगाते हैं जिसमें देखते हैं जब हम प्लेन से जंप करेंगे या फिर लैंड करेंगे इंटेंस गेम प्ले वगैरह करके देखते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कितने FPS स्टेबल ये डिवाइस निकाल के देते हैं। अभी जैसे हमने प्लेन से जंप किया यहाँ पे FPS आप देख लो, इतना SH ड्रॉप वगैरह मुझे नहीं मिला, 57, 58, 60, तो लगभग 60 के आसपास ही FPS था। बट हमने पहले TDM में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए गेम प्ले किया था, वहाँ पे FPS काफ़ी ड्रॉप आया था। बाकी लैंड करके और देख लेंगे यहाँ पे कितना FPS में ड्रॉप आता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लैंडिंग के टाइम भी जो FPS है SH इतना ड्रॉप मुझे नहीं मिला एरेंगल के अंदर, 58 से 60, 61 तो भी इतना ही कुछ 60 FPS के राउंड ही स्टेबल FPS ये डिवाइस निकाल के दे देता है। बाकी आगे देखते हैं कैसी क्या कुछ परफॉर्मेंस मिलती है। अभी यहाँ पे हमने इरेंगल के अंदर जो गेम प्ले है वो कंप्लीट कर लिया है। बैटरी 32 से स्टार्ट किया था एंड 20 मिनट के बाद स्टार्ट किया था, लगभग 23 मिनट के अंदर आप देख लो इरेंगल में यहाँ पे 6% के आसपास का बैटरी ड्रॉप आ चुका है। टेम्परेचर आपको चेकआउट करा देता हूँ, यहाँ पे 39 जा चुका है यहाँ पे इस साइड से
एंड बैक साइड से मैक्स 37 है एंड रूम का भी देख लो 28-29 कुछ इतना ही टेम्परेचर है। बाकी जो FPS था यहाँ पे रेंगल के अंदर स्टेबल 56 से 60 अराउंड ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट FPS निकाल के आपको दे रहा था, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग वगैरह इशू भी नहीं मिला रेंगल के अंदर। बाकी हमने TDM गेम प्ले किया था जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम, वहाँ पर थोड़ा सा इशू था, बट नॉर्मली अगर आप गेम प्ले करते हैं कोई भी सेटिंग में तो यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुई। जायरो की परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। अभी हम लिविक के अंदर एक गेम प्ले लगा लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या कुछ परफॉर्मेंस ये निकाल के देते हैं। तो अभी अपना लिविक के अंदर भी गेम प्ले पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट एक घंटे का गेमिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करूं, सबसे पहले जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आप देख लो, 38 से स्टार्ट किया था, 21 अभी बैटरी बची है, लगभग 17% के आसपास का बैटरी ड्रॉप है एक घंटे के अंदर। ब्राइटनेस फुल पे सेट थी एंड जो प्रो गेमिंग मोड था हायर सेटिंग जितनी मैक्स हो सकती थी वो सब कुछ हमने अनेबल किया, तो 1 आवर में 17% एज सच इतना बैटरी ड्रेन वगैरह हम नहीं बोल सकते, ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाती है। 5.5 MAH की बैटरी को ध्यान रखें एंड टेम्परेचर आप देख लो 37-38 के अराउंड है, बैक साइड से भी 36-37 के अराउंड है। तो गाइस ये था अपना गेमिंग टेस्ट OnePlus Nord CE 4 5G डिवाइस का, काफ़ी तगड़ी गेमिंग इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करूं TDM में रेंगल में या लिविक में कोई भी मैप वगैरह अगर आप ट्राई करते हैं तो 56 से 60 FPS के राउंड कॉन्स्टेंट यहाँ पे FPS टेबल निकाल के आपको प्रोवाइड कर देता है। बट एक चीज़ में गेम है यहाँ पे, अगर आप इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे FPS 44, 45, 46 तक के ड्रॉप आ जाते हैं, यानी 10 से 15 FPS का ड्रॉप आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। टेम्परेचर भी यहाँ पे कंट्रोल में था नॉर्मली, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड बैटरी भी थोड़ी सी ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो ये मेरी OnePlus के लिए फीडबैक है, इस पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए जल्दी अपडेट प्रोवाइड करके। वैसे अगर आपको गेमिंग करनी है तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी तगड़ी गेमिंग ये फ़ोन आपको करा के दे देता है। जल्दी इनका जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है एक्सट्रीम वगैरह जो सारी वीडियोज़ है जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। एंड और अदर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सपोर्ट करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।